हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे प्लेसेस, और आप लोग देख रहे हैं हमारी फिनलैंड की ट्रैवल सीरीज। और उसी सीरीज में आज हम आए हैं सांता के विलेज। जैसा आप लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो ऐसा माना जाता है कि जो सांता क्लॉस है वो यहाँ रहते हैं, इस विलेज में रहते हैं इन फिनलैंड। और सांता देते हैं सबको गिफ्ट, बट हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम सांता को गिफ्ट दे दें। और क्योंकि है हम देसी, देसी। हम हैं इंडियन, तो हम लाए हैं सांता के लिए बेसन के लड्डू। तो सांता को देंगे बेसन के लड्डू, एक व्हाइट कलर के बॉक्स में हमने पैक कर दिए हैं, और देखते हैं सांता वो बेसन के लड्डू लेते हैं क्या हमसे एज अ गिफ्ट। ऑफ कोर्स ले ही लेंगे। ये तो आपको सब दिखाते हैं अंदर कैसा है पूरा सेटअप, और यहाँ पर आप कैसे सांता से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, और सांता हमसे क्या बात करते हैं, और सांता सांता नमस्ते बोलते हैं क्या। सो यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स गो एंड गिव बेसन के लड्डू टू सांता। Go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform in all the Christmas songs that we love. बहुत तड़िए इतने दिनों से इतने दिनों से हम लोग ना एक लाइव फीड देख रहे थे सांता क्लॉस विलेज लाइव फीड, और उसमें देख रहे थे कितना टेम्परेचर हो रहा है, क्या माहौल हो रहा है यहाँ पर, और आज हम खुद उस लाइव फीड पे आने वाले हैं। तो पोस्ट डाला था हमने कम्युनिटी पे, हाँ, कि अगर आप लोग इस टाइम पर हो और वो देख रहे हो तो आप हमें दे सकते हैं। लेट्स सी कि कितने लोग हमें देख पा रहे हैं। अगर आप हमें देख पा रहे हैं अभी लाइव कैमरा से, अभी बाद में आएगा, हेलो, बट हाँ, हेलो, दैट इज लाइव कैमरा। नो is there? Yeah, yeah, yeah. Yeah, cool. Yeah. On the live feed. Yeah, right, the key. Of Santa Claus Village. पहले हम लोग आइसलैंड में वॉल्केनो के लाइव फीड में, अभी हमें लाइव फीड में आना बहुत पसंद है। थोड़ा सा डिले चल रहा है एक्चुअली, लाइफ फीड 5-10 सेकंड पीछे, बट वी आर हियर। एक और जो अमेजिंग चीज है यहाँ पे वो है आर्कटिक सर्कल की लाइन। वैसे तो ये इमेजिनरी लाइन है, बट जो ये लाइन है वो पास होती है यहाँ से, जो पिलर्स देख रहे हैं। तो अगर इधर खड़ी हूँ मैं अभी, तो मैं आर्कटिक सर्कल से बाहर हूँ और मैं अंदर चले जाती हूँ, तो मैं अब आर्कटिक सर्कल के अंदर आ गई हूँ। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है और इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन सी इट, और उसके कोऑर्डिनेट्स है ये। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है इट पासेस फ्रॉम हियर। और अगर आप सोच रहे हैं कि टेम्परेचर कितना हो रहा है यहाँ पर, मेरे पीछे देख सकते हैं, इट्स -30। यहाँ से आखिर इंडिया कितना दूर है, तो इंडिया न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है 5,413 किलोमीटर्स। तो इस आर्कटिक सर्कल से, इस सांता क्लॉस के विलेज से न्यू दिल्ली इतना दूर है, 5,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और एम्स्टरडैम जहाँ हम रह रहे हैं आजकल वो भी है, तो एम्स्टरडैम है 1,970 किलोमीटर्स। सारे ऑलमोस्ट बड़े बड़े जो कंट्रीज़ के कैपिटल्स हैं लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो कितने किलोमीटर दूर है। ये है जो मेरे पीछे है, वो है सांता क्लॉस का पोस्ट ऑफिस। अब सांता क्लॉस भेजते हैं गिफ्ट सबको और कार्ड्स भेजते हैं, बट आप किसी को चाहते हैं कि कार्ड भेज दे यहाँ से, तो वो पॉसिबल है इस आर्कटिक सर्कल से, पॉसिबल है। जैसे एक इंडिया में नहीं है, बिल्कुल नॉर्थ में जाके वहाँ से सब लोग पोस्ट ऑफिस से वहाँ पर वहाँ से भेजते हैं लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स, वैसे ही यहाँ पर भी पॉसिबल है और यहाँ से आप भेज सकते हैं। तो या तो क्रिसमस के टाइम के लिए, या नेक्स्ट क्रिसमस के लिए भेज सकते हैं, या नॉर्मली अगर भेजना हो तो भेज सकते हैं।
काफ़ी भीड़ है अंदर, बट हमें भेजना है कुछ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, तो चलते हैं अंदर और भेजते हैं पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम सेंटा क्लॉस पोस्ट ऑफिस। जो भी लोग सांता क्लॉस को लेटर्स भेजते हैं ना, वो पता है कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर। यहाँ पे हर कंट्री के कंट्री वाइज मतलब लेटर्स यहाँ रखे हुए हैं, और यहाँ लिखा भी हुआ है कि अभी तक कितने लेटर्स आ चुके हैं 200 कंट्रीज से, और जो एल्स हैं वो इतने लेटर्स अभी तक ओपन कर चुके हैं। लेट्स फाइंड आउट इंडिया का कहाँ पर है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और ये रहा इंडिया। आई गेस दिस इज़ व्हाट इंडिया इज, फिनिश लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, और ये इंडिया के लेटर्स हैं। ऐसे ही सारी कंट्रीज से भी है। इंडिया के उधर इंडोनेशिया का लिखा हुआ था। तो ये है जहाँ पे अगर आप सांता को लेटर्स भेजते हैं तो यहाँ पर आते हैं, सांता पढ़ते हैं और फिर यहाँ पर रखे हुए हैं। मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ना, वो स्टैम्प्स हैं सांता क्लॉस के विलेज से, पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस से जो स्टैम्प्स मिलते हैं वो ऐसे हैं। सी हाउ ब्यूटीफुल दे लुक। तो अभी जो पोस्ट कार्ड्स मैं भेज रही हूँ उस पर ये स्टैम्प्स लगेंगे और फिर वो आप तक पहुँच जाएंगे। मतलब मैं जिन अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भेज रही हूँ और जो मेरे चैनल के मेम्बरशिप लिए हैं उन सबको भेज रही हूँ पोस्ट कार्ड्स एंड दी स्टैम्प्स। यहाँ पर दो टाइप के पोस्ट बॉक्सेस हैं, एक ये, इसके अंदर अगर आपको नेक्स्ट क्रिसमस पे भेजना है तो यहाँ पे सेंड करना है, बट अगर नॉर्मल भेजना है तो यहाँ पर सेंड करना है। और अब ये पोस्ट कार्ड्स गए पोस्ट बॉक्स में। आर्टिक सर्कल की लाइन दिखाई थी मैंने आपको बाहर, तो ये मैप में ये जो लाइन जा रही है ऊपर, ये है आर्टिक सर्कल की लाइन और हम इस तरफ है। आप सोच रहे हैं कितना नॉर्थ में है। इंडिया किधर है? इंडिया इज हियर। सो फ्रॉम इंडिया वी आर हियर, दिस नॉर्थ इट इज। तो हम जा रहे हैं सांता क्लॉस से मिलने, और ये सब बॉक्सेस हैं जिसमें से जाता है सारे गिफ्ट्स जो सांता क्लॉस भेजते हैं। हियर इज द क्यू टू मीट सांता, और ये अभी 10 मिनट पहले ओपन हुआ है। और ये देखिए हम लोग यहाँ आए उतनी देर में इतनी लाइन लगी हुई। ये सारे लोगों की पिक्स जो यहाँ आते हैं। हमारा सांता के लिए गिफ्ट वैसे से अच्छे से पैक करना है, तो देखते हैं अगर अच्छे से पैक कर पाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और क्यों देख रहे हैं ना पीछे, बहुत बड़ा क्यों हो गया यहाँ पे, इतने सारे गिफ्ट बॉक्स रखे हैं, मतलब पैकिंग के लिए कोई बॉक्स नहीं है। वो सांता किसी को देंगे इसलिए वो गिफ्ट बॉक्स है, अपन सांता का गिफ्ट बॉक्स लेंगे सांता को नहीं दे सकते। इस पॉइंट के बाद हम लोग शूट नहीं कर सकते। हाँ, तो हम लोग रखते हैं अभी कैमरा अंदर, बट क्या हम लड्डू दे पाएंगे सांता को? लेट्स फाइंड आउट। विल सांता टेक आवर लड्डू, या वो बोलेंगे नहीं मैं ऑलरेडी बहुत मोटा हूँ। बेसन का लड्डू फॉर सांता। Are you your first time in Lapland? Yes. Yeah. Very good, very good. You like it in here? Yes. Yeah. Yeah, a little different than back home. Yeah. Just yes, a little. Very just good. A little, yeah. We have never seen such all white wonderland. Yeah. Oh, beautiful, yeah. But where shall you be then on Christmas time? We will go back. So we are here till 24. Yeah. And then we'll go back. All right, yeah. All right. So, and, so, yeah. And where in India?
Oh, we are from the center part of India. Yeah, and what is it called? It's called MP, Madhya Pradesh. MP, all right, of course I know. Yeah. I do come there every Christmas. Yeah. And we brought something for you. Because you are bringing so much gifts for us for so long. So this time we have some sweets for you. Yeah, you can leave it here. Yes. And it's Indian sweet. Oh, thank you very much. Besan ka Ladoo. So it's made from brown flour. There are three pieces in it. Very good. Thank you. Thank you very much. Yeah. And we'll meet again then after 3 days. Yes. And a very Merry Christmas to you. Yes, yeah. Thank you. And remember now to play in the snow, because that's something you can't do at home. No. Yes, thank you. All right. And can you also please say namaste to everyone in India? Oh, yeah. Namaste. Namaste. And a Merry, Merry Christmas Merry to everybody. Merry Christmas. Thank you. Bye-bye. Santa ne hamare laddu le liye. Santa hamare laddu khayega. Besan ke laddu. Kyunki India se humne courier karke mangaye the. Aur jab hum unse mile, to wo bole ki tum log kahan se ho India mein. Humne kaha MP se hai. तो बोले हाँ मुझे पता है मैं हर साल एमपी में आता हूँ और फिर ये बोले कि अभी आने वाला हूँ वापस 25th हमने कही है सी आर गोइंग टू मीट यू अगेन बहुत फन था हाँ। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे जब हम लोग इतने एक्साइटेड हैं तो बच्चे तो और भी क्रेजी थे सांता को देख के और सांता इतने क्यूट थे और ऑफकोर्स इतनी बड़ी दाढ़ी और क्यूट तो होते ही है और जब हमने सांता को बेसन के लड्डू दिए ना तो उसके बाद जो एल्फ है वो बोली कि मैं भी खाऊंगी ये बेसन के लड्डू अभी बोला क्या श्योर होपफुली सबको अच्छे लगे वो बेसन के लड्डू हैं अच्छे क्योंकि हमारे पास दो पैकेट से एक पैकेट हम ऑलरेडी खा चुके हैं दूसरा पैकेट हमने दिया था और अब हम लोग जो सांता विलेज में और भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे आपको भी कि कैसा है ये सांता विलेज तो आप इंजॉय करिए ये वीडियो और देखिए कि सांता का विलेज आखिर कैसा है और सांता को दिए हैं हमने बेसन के लड्डू आपको क्या पता था कि सांता क्लॉज की वाइफ भी है लुक हियर यहाँ लिखा है मिसेस सांता क्लॉज क्रिसमस कॉटेज और एरो बना है तो लेट्स सी सांता क्लॉज से तो मिल गया है लेट्स मीट उनकी वाइफ से चलते हैं देखते हैं मिल पाते हैं कि नहीं लेट्स गो तो ये जो कॉटेज है मेरे ठीक है ये है सांता क्लॉज की वाइफ का कॉटेज और अंदर उनसे मिलने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और वो है 5 यूरोस और उनके साथ अगर पिक्चर लेना है तो अपने कैमरे से अलाउड नहीं है तो आपको वो जैसे सांता क्लॉज में अलग से पिक्चर और वीडियो का उनके पैसे देने पड़ते हैं सिमिलरली यहाँ पे भी 20 यूरोस देने पड़ेंगे सो वी वेंट इनसाइड वी हैड अ डिस्कशन एंड वी थॉट कि हम नहीं लेंगे तो हम नहीं जा रहे हैं सांता क्लॉज की वाइफ से मिलने बट एक चीज़ तो पता चली कि सांता क्लॉज की वाइफ भी है मुझे नहीं पता था ये बात अब चलते हैं और एरिया को एक्सप्लोर करते हैं सांता क्लॉज की वाइफ से नहीं मिल पाए बट हमें दिख गई वो कैसी दिखती है ये रही उनकी पिक्चर और ये जो नाम लिखा है ऊपर ये फिनिश नाम है योलू मोरी सांता क्लॉज की वाइफ मिसेस सांता क्लॉज हम लोग जा रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट की तरफ और आप देख रहे हैं कैसे सब कुछ ऑरेंज हो गया है सनराइज नहीं हो रहा है बट सन के कारण ही ऐसे ऑरेंज क्लाउड्स हो गए हैं सो हम लोग लंच कर रहे हैं सांता विलेज में जो होटल है उसके अंदर और है ऑप्शन में सैलड बहुत सारा सैलड राइस ये कुछ दे आर ट्राइंग टू मेक सम काइंड ऑफ कटलेट बनाया है वेज कटलेट वैसा स्वाद नहीं है बट अच्छा है और थोड़ी सॉस ले ली है मैंने राइस ड्राई है कुछ करी नहीं है ऑफ कोर्स क्योंकि ये लोग करी वाले नहीं खाते हैं सो उसको मैं थोड़े से जो वेजिटेबल्स हैं उसमें मिक्स करके एज अ वेज राइस बना के खाएंगे स्मार्क लग दस में बोलते हैं और ये है सुवीनियर का शॉप यहाँ पे सांता ही सांता है छोटा सांता बड़ा सांता टॉय सांता मैग्नेट सांता एंड आई लाइक दिस वन
But how can I take this home? Very difficult, right? With a heart. सेंटा पोस्ट ऑफिस पे हमको मिले हैं जॉय प्रिया जॉय एंड प्रिया एंड दे आर फ्रॉम कुवैत या दे आर ऑफ कोर्स दे आर फ्रॉम इंडिया बट कुवैत से दे आर ओके या वेरी हैप्पी टू मीट सौरव एंड मेघा थैंक यू वेरी नाइस टू सी देम हियर नेवर एक्सपेक्टेड एंड वी आर सो हैप्पी टू सी देम अगेन थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय एंड से हाय हेलो हेलो टू एवरीबॉडी And we were also very amazed ki fellow Indians here. Yeah, difficult. Yeah, following all over. It's all love and support from all of you guys. So thanks once again. Yeah. Thank you. Thank you. तो ये था सेंटा क्लॉस का विलेज फिनलैंड में आर्टिक सर्कल सेंटा से उसका विलेज पार्क एक्सप्लोर किया लड्डू इंडिया से भी मिले जो हमारे चालकों को कुवैत से है तो हमें तो इतनी खुशी होती है कि हमारे चालकों को कहाँ कहाँ से पहुँचते हैं तो हम फिनलैंड में उनसे मिल रहे हैं विच इज अमेजिंग बट आपको ये वीडियो कैसा लगा सेंटा क्लॉस को लड्डू देते हुए और उनका पूरा आसपास का जो एरिया है उसको दिखाया Do let us know in comment section और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को लाइक करिएगा और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है देसी कपल ऑन द गो और फेसबुक पर है शेड्स ऑफ मेस सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय एंड मैरी क्रिसमस फ्रॉम सांता विलेज मैरी क्रिसमस